अच्छा आपकी लव मैरिज थी वैसे, मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बढ़िया तगड़ी वाली लव मैरिज। लव मैरिज तो लगता है मेरी शक्ल देख के मैं लव मैरिज करूँगी, अरेंज मैरिज करूँगी। बता मैम, वैसे लगता तो है मम्मी को ही ले आई तो आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी मॉम ने इतना सपोर्ट करा। मैम आपने अश्वंजिश को डाल दिया एक बार, बोल दो बहुत तगड़ी। रुको, लव मैरिज होगी और मम्मा को भी पसंद ही होंगे, तो लव विद अरेंज। मैं कह रहा हूँ अरे पहले मम्मी का प्रपोजल आया होगा इस लड़के से। किसी का समर्थन नहीं था, ना लड़के की तरफ से ना लड़की की तरफ से। हम दोनों ने खुद को पसंद किया, शादी करके मैंने मेरे घर बता दिया, उसने उसके घर बता। अच्छा रात फेरी पूरे, ये तो झुंड गाड़ दिए तो बहुत तगड़ा। आपकी मम्मी को भी नहीं पता था, क्या बात कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल। आपने ये बोल के हमें दे दी हरी झंडी, अब ये काम करेंगे। और सिर्फ एक दिन पहले प्रपोज किया था। अच्छा, उसने अच्छा। मुझे, मैंने उसको, अगले दिन हम शादी भी कराए। अरे तेरी, ये तो भाई ऐसे होती है शादी, कहा वेब सीरीज बना दिए लोगों ने शादी। मैम थोड़ा सा बता दो, क्या पता सही में वेब सीरीज ही बन जाए आपकी स्टोरी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बननी चाहिए। ठीक है, हम बहुत खुश हैं। बल्कि जब हमने शादी की थी तो लोगों ने बहुत उल्टी सीधी चीजें की, ताने भी मारे। बहुत लोगों ने ये भी बोला, नहीं यार ये मतलब से जुड़े हैं आपस में। पर हमें पता है हम किस चीज से जुड़े हैं एक दूसरे। पर ये बहुत सही चीज है, आजकल तो लोग 5-6 साल डेट करते हैं, शादी का होता फिर नहीं। नहीं जहाँ निभनी होती है वहाँ निभ जाती है, जहाँ नहीं निभनी होती वहाँ तो फिर 17 साल भी अलग हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ की चीज़ अच्छी है ये कि, और मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वीर मेरा, और वो नेक्स्ट लेवल बंदा है। तो जैसे मैं नेक्स्ट लेवल हूँ वो भी नेक्स्ट लेवल है। बहुत सही, तो हम बहुत बहुत हैप्पी है एक दूसरे के। अच्छा मैम, खत्म करने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपका जो एक हैप्पी जोन है स्टेज के बारे में आप कहते हो, मुझे वो बहुत खुशी देता है। 7-8 साल पहले स्टेज पे परफॉर्म करना एक अलग तरीके से होता था, जैसे कहते हैं कि टाइम के साथ ट्रेंड चेंज होता है, तो हरियाणा में स्टेज या कहीं भी परफॉर्म करना अब टाइम के साथ चेंज होगा, हुआ है 7-8 साल में, 10 साल में बहुत चेंज हुआ है। कुछ और चेंजेस आप चाहते हो जो और हो? नहीं अब मैं कुछ चेंजेस नहीं चाहती, वो ज़्यादा चला जाएगा। हाँ ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग थोपड़ा देखते रहने दो लोगों को। और स्टेज इतना चेंज हुआ है कि आज से 9 साल पहले का स्टेज 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली जोड़ के बनाया जाता था। अच्छा, मैंने किया है, 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली जोड़ दी और बोलते थे चलो नाचो, और वो खुशी भी दे देता था। सही में? बस वो थोड़ी सी ऊंचाई इतनी खुशी दे देती थी, उसको कोई मतलब नहीं था यार ये फट्टी से बनाए किस चीज से बनाए। जब उछल के कूद के नीचे पड़ते थे, जब घुटने टूटते थे, अरे बाबा लोहे का है रे। वो ऐसा था। आज आज भाई कि हमें ये चाहिए, हमें डिस्को लाइट्स चाहिए और टेक राइटर चाहिए, हमें इतना बड़ा बेस चाहिए, ये चाहिए, फलान चाहिए, धमकान चाहिए, ना यार जहाँ गाना बज गया मन तो वही सुकून है। सही बात। और आप भी वो वीडियोस बनाओ भाई दोबारा। डन डन। सही में मैं अपनी जनता को बता दूं, शायद हमने पॉडकास्ट में नहीं बताया, वो तो बनानी चाहिए। सपना मैम हमको देखती थी पहले, हमारी कॉमेडी स्केचेस भी देखती थी, और मैम ने बोला वो फिर से बनाओ यार, तुम वो क्यों नहीं बना रहे हो। मैम ने वो भी बोला मेरी जरूरत हो तो बुलाना, वो भी लेके मुझे बुला। ये भी अभी है ना एप्लीकेबल है? बिल्कुल है, जहाँ जरूरत हो वहाँ बुलाना, वो बनाना भी चाहिए। क्योंकि यूट्यूब पे कॉन्टेंट जब हम देखते हैं, जब हमारा हंसने का कभी मन करता है, तो बहुत रेयर कंटेंट ऐसे होते हैं जो बिना गाली गलोच के निकल जाए, और वो देखना बड़ा अच्छा। मैं बता दूं, लेकिन हमने दी है, दी है, बट कम, इतनी नहीं देते, इतनी नहीं दी है ना, बिल्कुल नहीं थी, 3-4 साल बिल्कुल नहीं थी, उसके बाद देख के अच्छा लगा। नहीं दी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने नहीं दी, दी है पर थोड़ी में, और बहुत प्योर गालियां नहीं होती कि भरी हुई है। वो तो अब भी हम घर में जितनी आप देते हो तो घर में चलती भी है। आपकी फेवरेट गाली कौन सी है? बिल्कुल जो ज़बान पे रखी वो म्यूट कर देंगे हम। नहीं नहीं चाहे बीप कर दो, बिल्कुल नहीं दूंगी, ऐसा नहीं।